हेलो डियर स्टूडेंट्स, आफ्टर लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन डिफरेंस टुडे वी विल स्टडी द लाइट रिएक्शन इन डिटेल। सबसे पहले तो अपन बात करते हैं कि ये लाइट रिएक्शन जो है, लाइट रिएक्शन जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया था कि लाइट रिएक्शन जो होती है ये लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होती है, विदाउट लाइट ये पॉसिबल नहीं है। तो लाइट रिएक्शन जो होती है, अब इसके अंदर कौन कौन से स्टेप्स होते हैं जो कि लाइट रिएक्शन के अंदर लाइट रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, लाइट रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं। तो लाइट रिएक्शन के अंदर तीन स्टेप्स होते हैं यहाँ पर। तो पहला स्टेप्स जो है वो है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स। जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, और एब्जॉर्ब करने के बाद में जो क्लोरोफिल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक्साइट हो जाते हैं, और एक्साइट होने के बाद में वो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में चले जाते हैं, और उसके बाद में जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स होता है वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है। देन सेकेंड स्टेप इसके अंदर आता है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर जो वाटर मॉलिक्यूल्स होता है उसका स्प्लिटिंग होता है, उसका ब्रेकडाउन होता है, उसको अपन हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर भी बोल देते हैं। हाइड्रो मीन्स वाटर, लाइसिस मतलब ब्रेकडाउन ऑफ वाटर, यहाँ पर वाटर का ब्रेकडाउन होता है। तो यहाँ पर वाटर का ब्रेकडाउन क्यों होता है, बिकॉज यहाँ पर जो लाइट रिएक्शन के अंदर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं वो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं कि वो बार बार उसको डोनेट कर सके। तो यहाँ पर जो वाटर है वो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर जो वाटर है, इस वाटर का बहुत ही असेंशियल रोल होता है यहाँ पर फोटोसिंथेसिस के अंदर, बिकॉज जो वाटर है वो वाटर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स को। देन आफ्टर थर्ड प्रोसेस इज अ कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। तो जो मेन पॉइंट है फोटोसिंथेसिस का, लाइट रिएक्शन का, वो ये है कि यहाँ पर जो केमिकल लाइट एनर्जी जो होती है वो लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, और इस पूरी फॉर्म को अपन बोलते हैं फोटो फॉस्फोराइलेशन। फोटो का मतलब लाइट, फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है फॉस्फेट को जोड़ने में। तो हमारी बॉडी के अंदर या किसी भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर बहुत सारे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्रेजेंट होते हैं, और ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो होते हैं ये एनर्जी की हेल्प से अटैच हो जाते हैं, बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें केमिकल एनर्जी की, तो हमारी बॉडी के अंदर जो केमिकल एनर्जी की फॉर्म में जो सबसे ज्यादा सब्सटेंस मिलता है, जो सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, वो होता है एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो फॉस्फेट जो होते हैं उसके अंदर तीन फॉस्फेट अटैच होते हैं, और वो तीनों फॉस्फेट जो होते हैं वो एनर्जी की हेल्प से अटैच होते हैं। तो उनके अंदर जो बॉन्डिंग फॉर्मेशन होती है वो एनर्जी की हेल्प से बॉन्ड फॉर्म होती है। अगर वो एनर्जी की हेल्प से बॉन्ड फॉर्म करते हैं तो जब उनका ब्रेकअप होता है, तो जब ब्रेकअप होगा तो उसमें से एनर्जी रिलीज भी होगी, सेम थिंग। तो इस तरीके से ये जो एटीपी मॉलिक्यूल्स होते हैं ये अपने आप को रिसाइकिल करते रहते हैं। तो लाइट रिएक्शन का जो मेन फंक्शन होता है वो ये है कि लाइट जो होती है, मतलब लाइट एनर्जी के अंदर जो लाइट होती है, लाइट एनर्जी जो है वो फोटोन की फॉर्म में क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स के पास आती है, और क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स उसको लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी के अंदर। और केमिकल एनर्जी जो है जो कि एक ऑर्गेनिज्म के अंदर यूटिलाइज होती है, लाइक एडीपी एंड एनएडीपीएच2, जो कि एनाबॉलिक रिएक्शन के अंदर, मतलब फोटोसिंथेसिस के अंदर, ये दोनों ही प्रोडक्ट यहाँ पर यूटिलाइज होते हैं। ये दोनों ही जो केमिकल एनर्जीज है यहाँ पर डार्क रिएक्शन के अंदर यूटिलाइज होती है। तो मेन जो फोकस है लाइट रिएक्शन का वो है कि लाइट रिएक्शन के अंदर जो लाइट एनर्जी होती है वो लाइट एनर्जी किसमें कन्वर्ट होती है, केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होती है। तो अपन को यहाँ पर यही फोकस रखना है कि लाइट एनर्जी लाइट रिएक्शन के अंदर केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होती है, जिसको अपन एटीपी भी बोल देते हैं और एनएडीपीएच भी बोल देते हैं। यहाँ पर जब इनका दोनों का फॉस्फोराइलेशन होता है तो इसी प्रोसेस को अपन बोलते हैं फोटो फॉस्फोराइलेशन। अब इसको थोड़ा सा अपन डिटेल में पढ़ते हैं, जैसे कि एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी का एब्जॉर्प्शन कहाँ पर होता है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स कहाँ पर होते हैं, और कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी विद लाइट रिएक्शन। अभी तक अपन ने लाइट रिएक्शन के अंदर स्टेप्स ऑफ लाइट रिएक्शन डिस्कस कर लिए। तो लाइट रिएक्शन के अंदर तीन टाइप के स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप्स होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स। सेकेंड स्टेप्स होता है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर और हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर, मतलब वाटर का ब्रेकडाउन होना। एंड थर्ड स्टेप जो इसके अंदर होता है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, वो होता है फोटो फॉस्फोराइलेशन, मतलब कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। तो अपन इन तीनों स्टेप्स को डिटेल में थोड़ा सा स्टडी करने जा रहे हैं।
तो किस तरीके से एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट होता है, लाइट किस तरीके से एब्जॉर्ब होती है, तो यहाँ पर जो सबसे पहले स्टेप्स आता है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स। तो फोटोसिंथेसिस के लिए जो पिगमेंट्स प्लांट के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं उसमें सबसे फर्स्ट नंबर पे जो पिगमेंट आता है वो है क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल्स, एंड बाकी जो जितने भी पिगमेंट्स होते हैं वो सारे एसेसरी पिगमेंट्स कहलाते हैं। और एसेसरी पिगमेंट्स जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं विजिबल लाइट में। तो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स जो होता है, इन दिस प्रोसेस द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स रिसीव द सनलाइट इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। तो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जो होता है वो फोटोन की फॉर्म में सनलाइट को रिसीव करता है, विजिबल लाइट को रिसीव करता है। फोटोन मींस होते हैं बंडल्स ऑफ लाइट, बंडल्स ऑफ फोटोन, एनर्जी के जो बंडल्स होते हैं उसको अपन फोटोन्स बोल देते हैं। तो उस फोटोन की फॉर्म में वो एनर्जी को रिसीव करता है। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक छोटा सा डायग्राम बना के दिखा रखा है, एक फोटो सिस्टम का डायग्राम है। फोटो सिस्टम के अंदर सेंटर में प्रेजेंट होता है यहाँ पर क्लोरोफिल ए, और क्लोरोफिल ए के अंदर प्रेजेंट होता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की वजह से क्लोरोफिल का जो कलर होता है वो ग्रीन नजर आता है, और इसके चारों तरफ जितने भी पिगमेंट्स आपको नजर आ रहे हैं ये सारे पिगमेंट्स यहाँ पर एसेसरी पिगमेंट्स कहलाते हैं। तो ये एसेसरी पिगमेंट्स जो होते हैं ये डिफरेंट डिफरेंट जो विजिबल लाइट होती है उस विजिबल लाइट के अंदर जो स्पेक्ट्रास होते हैं उस स्पेक्ट्रास को यूटिलाइज करते हैं, उसको एब्जॉर्ब करते हैं, और एब्जॉर्ब करने के बाद में ये एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं। एनर्जी जो होती है वो एक मॉलिक्यूल से दूसरी मॉलिक्यूल में ट्रांसफर होती है, और ट्रांसफर होने के बाद में लास्ट वो रिएक्शन सेंटर पिगमेंट तक पहुंचती है। जो सेंटर में प्रेजेंट है रिएक्शन सेंटर पिगमेंट, क्लोरोफिल ए को रिएक्शन सेंटर पिगमेंट बोला जाता है। तो जैसे ही ये एनर्जी रिएक्शन सेंटर पिगमेंट पे पहुंचती है तो यहाँ पर जो मैग्नीशियम होता है इस मैग्नीशियम के अंदर प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर आउटर मोर शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, और मैग्नीशियम को जैसे ही एनर्जी मिलती है तो मैग्नीशियम के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लोअर एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल के अंदर एंटर हो जाते हैं, और जैसे ही हाई एनर्जी लेवल में एंटर होते हैं तो मैग्नीशियम जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है। और जैसे ही मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है तो यहाँ से ये पहला स्टेप्स होता है जो कि फोटोसिंथेसिस को और लाइट रिएक्शन को इनिशिएट करता है। आफ्टर दैट इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स का जो यूटिलाइज होता है वो आगे जाकर के फोटोफॉस्फोराइलेशन की फॉर्म में, केमिकल एनर्जी की फॉर्म में इनका यूटिलाइजेशन यहाँ पर होता है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अपन डिस्कस करने वाले हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर और स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। तो सेकंड जो स्टेप्स लाइट रिएक्शन के अंदर आता है वो है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, मतलब कि वाटर का ब्रेकडाउन, वाटर किस तरीके से ब्रेक होता है और वाटर किस जगह पर ब्रेक होता है। तो वाटर का जो ब्रेकडाउन होता है वो थाइलाकॉइड्स के अंदर होता है। ये थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन होती है, थाइलाकॉइड्स के अंदर जो हॉलो स्ट्रक्चर होता है उस पार्ट को बोलते हैं ल्यूमन पार्ट, और इसी ल्यूमन के अंदर वाटर का ब्रेकडाउन होता है। तो अपन ये देखते हैं कि वाटर किस तरीके से ब्रेक होता है। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए फोटो ऑक्सीडेशन, इसको प्रोसेस को फोटो ऑक्सीडेशन भी बोला जाता है। इसको फोटो ऑक्सीडेशन क्यों बोलते हैं, बिकॉज यहाँ पर वाटर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। तो दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीज एंड क्लोराइड आयन। मैग्नीज एंड क्लोराइड आयन की प्रेजेंस में ये जो रिएक्शन होती है, और यहाँ पर ये जो मैग्नीज एंड क्लोराइड है ये एक कैटेलाइजर की तरह काम करते हैं। तो देखिए यहाँ पर वाटर का किस तरीके से ब्रेकडाउन होता है। तो ये जो वाटर है इसका ब्रेकडाउन के लिए यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स होता है, उस कॉम्प्लेक्स का जो फुल फॉर्म होती है, उस कॉम्प्लेक्स का जो नेम होता है वो है ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। मतलब इसमें से ऑक्सीजन निकाल ली जाती है, और जैसे ऑक्सीजन निकलेगी तो बाकी जो ये वाटर होगा वो स्प्लिट हो जाएगा। तो ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स की हेल्प से और मैग्नीज और क्लोराइड की हेल्प से इस वाटर का ब्रेकडाउन होता है, और वाटर यहाँ पर 3 कंपोनेंट्स के अंदर ब्रेकअप हो जाता है। पहला होता है यहाँ पर हाइड्रोजन आयंस की फॉर्म में, दूसरा यहाँ पर वाटर से निकलते रिलीज होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, एंड थर्ड यहाँ से रिलीज होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट एनवायरमेंट के अंदर रिलीज हो जाती है, और प्लांट के अंदर रेस्पिरेशन की फॉर्म में भी यूटिलाइज हो जाती है। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यहाँ पर, वो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर ट्रांसफर हो जाते हैं फॉर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स को, क्योंकि क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनको इलेक्ट्रॉन डोनर की रिक्वायरमेंट होती है, और वाटर यहाँ पर एज ए इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह काम करता है जो कि क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है। एंड थर्ड जो होता है यहाँ पर, जो यहाँ पर हाइड्रोजन आयंस यहाँ पर रिलीज हुए थे, ये हाइड्रोजन आयंस जो होते हैं ये NADP का रिडक्शन करते हैं, NADP का रिडक्शन करके उसको कन्वर्ट करते हैं NADPH2 के अंदर।
लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि एनएडीपी की फुल फॉर्म क्या होती है. एनएडीपी मीन्स एंड निकोटिनामाइड डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेटेज. तो यहाँ पर निकोटिनामाइड डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट जो होता है वो हाइड्रोजन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, मतलब इसके साथ में हाइड्रोजन जुड़ गया है तो इसका यहाँ पर रिडक्शन हो गया है और ये आप स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यहाँ पर वर्क करता है और आगे जाकर के ये किसी ना किसी सब्सटेंस का को रिड्यूस करेगा और वहां से ऑक्सीजन को इवॉल्व करेगा, निकालेगा. तो ये सारा जो प्रोसेस है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर ये अपन ने अभी तक देखा है. नेक्स्ट लास्ट जो लाइट रिएक्शन के अंदर स्टेप्स बचा है वो है द थर्ड स्टेप्स ऑफ लाइट रिएक्शन. थर्ड स्टेप्स ऑफ लाइट रिएक्शन इज अ फोटो फॉस्फोराइलेशन और कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी. तो थर्ड स्टेप्स के अंदर जो लाइट रिएक्शन होती है वो केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होती है और इसको ही बोला जाता है फोटोफॉस्फोराइलेशन. फोटोफॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है फोटो मींस लाइट, फॉस्फोराइलेशन मींस होता है फॉस्फेट को ऐड करना, लाइट की हेल्प से फॉस्फेट को ऐड करना. अब ये फॉस्फेट क्या होता है और ये कहाँ से आया है. फॉस्फेट जो होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो एनर्जी करेंसी होती है, एनर्जी करेंसी एटीपी की फॉर्म में प्रेजेंट होती है. एटीपी इज ऑल्सो कॉल्ड केमिकल एनर्जी. ये हमारी बॉडी के अंदर या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर केमिकल एनर्जी की फॉर्म में जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होता है वो होता है एटीपी. तो एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट मतलब इसके अंदर एडिनिन अमाइनो एसिड प्रेजेंट होता है और उसके साथ में तीन फॉस्फेट अटैच होते हैं और इन फॉस्फेट के अंदर कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है और ये कोवेलेंट बॉन्डिंग जो होती है ये एनर्जी की हेल्प से फॉर्म होती है. तो यहाँ पर अपन देखने वाले हैं कि ड्यूरिंग दिस प्रोसेस एटीपी इज प्रोड्यूस्ड. इस प्रोसेस में क्या होता है एटीपी का फॉर्मेशन होता है. तो एटीपी तो ऑलरेडी करेंसी की फॉर्म में ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होती है बट यहाँ पर एटीपी जो होते हैं उनका रिसाइकलिंग प्रोसेस होता है. उसका रिसाइकलिंग प्रोसेस यहाँ पर कंटिन्यू चलता रहता है विद द हेल्प ऑफ लाइट रिएक्शन और ये जो प्रोसेस होता है ये क्वांटोसोम्स के अंदर प्रेजेंट होता है. क्वांटोसोम मतलब जहां पर क्लोरोफिल पिगमेंट्स या क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, बंडल ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स या बंडल ऑफ पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं और ये जगह क्वांटोसोम्स जो होता है ये थायलाकॉइड्स के अंदर प्रेजेंट होता है. तो एक लगभग एक क्वांटोसोम्स के अंदर 260 या 280 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. तो इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है वो अपन अभी देखने वाले हैं. तो यहाँ पर देखिए जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लेके दिखा हुआ है नीचे यहाँ पर एक एटीपी है. जब इस एटीपी का ब्रेकडाउन होता है मतलब इसका हाइड्रोलाइसिस होता है तो हाइड्रोलाइसिस होते ही ये कन्वर्ट हो जाता है एडीपी के अंदर. एटीपी कन्वर्ट हुआ है एडीपी के अंदर. एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट और ये एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट काम कन्वर्ट होता है एडीपी के अंदर. एडीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट और इसमें से एक फॉस्फेट अलग हो जाता है. जैसे ही ये फॉस्फेट यहाँ से अलग होता है तो यहाँ पर जो बॉन्ड ब्रेक होता है उस बॉन्ड से एनर्जी रिलीज होती है और वो एक एनर्जी जो होती है मतलब एक फॉस्फेट के ब्रेक होने से जो एनर्जी रिलीज होती है वो होती है 30.5 किलो जूल अप्रोक्सीमेट. 30.5 किलो जूल के आसपास यहाँ से हीट की फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है. अब यहाँ पर ये जो एडीपी है और ये जो फॉस्फेट है ये साइटोप्लाज्मा के अंदर ही मूव करते रहते हैं और इन्हीं एडीपी का और इसी फॉस्फेट का दोबारा से रिसाइकलिंग होता है और रिसाइकलिंग प्रोसेस जो होता है वो लाइट एनर्जी की हेल्प से होता है. मतलब लाइट एनर्जी जो होती है वो इस एडीपी को फॉस्फेट के साथ में दोबारा ऐड कर देती है और इसको ऐड करने के लिए यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है. उस एंजाइम का नाम होता है एडीपेज एंजाइम. ये एडीपेज एंजाइम जो होता है वो एडीपी और फॉस्फेट को अटैच करता है और उससे एडीपी दोबारा से फॉर्म कर देता है और ये एडीपी जो होती है ये दोबारा से रिसाइकिल होती रहती है. मतलब ये दोबारा एडीपी में कन्वर्ट होगा फिर ये एडीपी में कन्वर्ट होगा. तो इस तरीके से ये रिसाइकिलिंग प्रोसेस फोटोसिंथेसिस के अंदर या ऑर्गेनिजम्स के अंदर चलता रहता है. तो ये था लास्ट स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो एक बार फिर से अपन जो अपन ने अभी तक पढ़ा है उसको रिवाइज कर लेते हैं. तो हमने पढ़ा था कि लाइट रिएक्शन के अंदर तीन स्टेप्स होते हैं. पहला स्टेप तो आता है लाइट रिएक्शन के अंदर एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स और फोटो एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स. सेकेंड स्टेप्स आता है इसके अंदर हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर और स्प्लिटिंग ऑफ वाटर एंड थर्ड स्टेप्स आता है इसके अंदर फोटो फॉस्फोराइलेशन.
तो इसके बाद में अपन नेक्स्ट जो लेक्चर है उसके अंदर पढ़ने वाले हैं पाथवे ऑफ लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन के कौन कौन से पाथवे होते हैं और पाथवे के अंदर अपन इन तीनों ही प्रोसेस को एक सीक्वेंस में देखेंगे कि किस तरीके से ये तीनों ही सीक्वेंस एक के बाद में एक फोटोसिंथेसिस के अंदर होता है। थैंक यू।